हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 6 की हिस्ट्री बुक से चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। हमारा पहला सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज द वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। जो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनको तमिल में क्या कहा जाता है? विल्लालर। द ग्राम भोजक ऑफन गट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द डैश। ग्राम भोजक जो थे उनकी जो जमीन पे खेती बाड़ी होती थी वो किसके द्वारा करी जाती थी? दास करमकारा के। प्लॉमेन वर नोन एज डैश इन तमिल। प्लॉमेन को तमिल में क्या कहते हैं? उझावर। मोस्ट ग्रेपतीज वर डैश लैंड ओनर्स। जो ग्रेपति थे वो ज्यादातर क्या होते थे? स्मॉल लैंड ओनर्स। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भोजक। व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। ग्राम भोजक का क्या फंक्शन था और आपको क्यों लगता है कि वो काफी ताकतवर थे? ग्राम भोजक वॉज द बिगेस्ट लैंड ओनर एंड हिज फंक्शंस आर। अब ग्राम भोजक सबसे बड़े जैसे होते हैं लैंड ओनर थे और उनका काम क्या होता था? किसानों से कर वसूलना, यानी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, एज जज एज पुलिसमैन। कभी वो जज का भी रोल प्ले करते थे, कभी वो पुलिसमैन की भी तरह बिहेव करते थे। तो इसलिए एक तरह से ग्राम भोजक जो थे उनके कई सारे फंक्शंस थे। लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज। कौन से ऐसे कारीगर हैं जो गांव में और शहरों में देखने को मिल जाते हैं? सम ऑफ द क्राफ्टमैन आर पॉटर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, आयरन स्मिथ, वीवर। पॉटर यानी कुम्हार, ब्लैकस्मिथ जो आपका लोहार होता है, आपका बढ़ई हो गया, बुनकर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे और क्राफ्ट पर्सन हैं, कारीगर हैं जो आपको गांव में और शहरों में देखने को मिल जाएंगे। आपके कोई माइंड में आए आप वो लिख सकते हैं। अब आई चूज द करेक्ट आंसर। रिंग बेल्स वर यूज्ड फॉर। जो रिंग बेल्स थी उनका इस्तेमाल किस लिए करते थे? बेथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, इरिगेशन, ड्रेनेज। तो रिंग बेल्स का इस्तेमाल होता था ड्रेनेज के लिए। पंच मार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, टिन, आइवरी। सिल्वर। मथुरा वॉज एन इम्पोर्टेंट विलेज, पोर्ट, रिलीजियस सेंटर, फॉरेस्टेड एरिया। मथुरा किस लिए इम्पोर्टेंट था? रिलीजियस सेंटर। श्रेणीज वर एसोसिएशन ऑफ। जो श्रेणी थी वह एसोसिएशन किसकी थी? रूलर्स, क्राफ्ट पर्सन, फार्मर्स या हर्डर्स? क्राफ्ट पर्सन की। विच ऑफ द आयरन टूल्स शोन ऑन पेज 79 वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर? व्हाट वुड द अदर टूल्स यू हैव बीन यूज्ड फॉर? जो आयरन टूल पेज 79 पे आपके दिखाए गए हैं वो कौन सा उसमें जो है एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से अदर टूल्स जो है उनका इस्तेमाल क्या होता है? सिकल वॉज यूज इन एग्रीकल्चर। सिकल का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। एक्स का इस्तेमाल होता है फॉर चॉपिंग वुड्स, लकड़ी काटने के लिए। एंड टोंग्स वर यूज्ड इन द किचन और बाय द आयरन स्मिथ। टोंग्स जो होते हैं जिसको हम चिमटा कहते हैं उसका इस्तेमाल या तो किचन में होता है या आयरन स्मिथ के द्वारा। कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटीज मेंशन्ड इन द लेसन। व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस? आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है आपकी लोकेलिटी में जिस सिटीज का मेंशन किया गया है उनके साथ कंपेयर करना है। क्या आपको लगता है उसमें समानता है, क्या असमानता है? द ड्रेनेज सिस्टम इन अवर लोकेलिटी इज अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्जन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम यूज बाय द प्लाइस सिविलाइजेशन। पहले जमाने की जो सिविलाइजेशन थी उनमें जो ड्रेनेज सिस्टम यूज होता था उसका काफी एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं तकनीक वाइज हम लोगों की लोकेलिटी में जो है यूज होता है। इन एंशियंट टाइम्स मड ब्रिक्स, सिरेमिक एंड थैच वॉज यूज टू मेक दैट। पहले जमाने में क्या होता था? मड की ब्रिक्स हैं, सिरेमिक है, थैच है, इसका इस्तेमाल होता था उसको बनाने के लिए। द ड्रॉबैक वॉज दैट द मटीरियल वॉज नॉट ड्यूरेबल एंड वुड फॉल डाउन विद कॉन्स्टेंट यूज। परेशानी उसमें क्या थी? जो एक वो खामी थी कि मटेरियल जो है वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता था और वो लगातार इस्तेमाल होने की वजह से गिर जाता था। टुडे मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम्स आर मेड ऑफ ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक कंक्रीट एंड मेटल। आज के जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल से बने होते हैं, कंक्रीट से, मेटल से। हाउएवर जस्ट लाइक इन द पास्ट ड्रेनेज इज मेड बाय मेनी रिंग्स व्हिच आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर। पहले क्या होता था? ड्रेनेज जो है वो बहुत सारी रिंग्स बना के किया होता जाता था जो एक के ऊपर एक रखी जाती थी। दीज रिंग्स आर ऑल्सो मेड इंटू ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर और इन रिंग्स को बनाया जाता था ट्यूब के स्ट्रक्चर के फॉर्म में। द सिमिलैरिटीज वी कैन नोटिस टुडे। और इसी तरीके से जो पाइप्स होते हैं आज की डेट में हमारे यहाँ वो भी काफी हद तक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। इफ यू हैव सीन क्राफ्ट पर्सन्स एट वर्क डिस्क्राइब इन अ शॉर्ट पैराग्राफ व्हाट दे डू। अगर आपने कभी किसी कारीगर को काम करते हुए देखा है तो एक छोटे से पैराग्राफ में बताइए वो करते क्या है। हिंट के लिए, हाउ डू दे गेट द रॉ मटेरियल, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट दे यूज, हाउ डू दे वर्क, व्हाट हैपेंस टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट।
कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है, किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम करते हैं, और जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है तो उसका क्या करते हैं। आई हैव सीन क्राफ्ट पीपल लाइक कॉबलर्स एंड कारपेंटर्स इन द सिटीज एंड विलेजेस। आपने कॉबलर्स को भी देखा होगा, कारपेंटर्स को भी देखा होगा, गाँव में भी, शहरों में भी। कॉबलर्स आर अ कॉमन साइट एंड वन कुड फाउंड सिटिंग एट ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर इन द सिटी। कॉबलर क्या होता है, जो मोची कहलाता है, यानी जूतों का जो रिपेयरिंग करता है, वो आपको आमतौर पे किसी भी शहर के कोने में देखने को मिल जाएंगे। दे मेंड शूज बाय स्टिचिंग द टॉर्न लेदर और पेस्टिंग द फ्लैपिंग सोल। वो क्या करते हैं, जो जूते फट जाते हैं उनको रिपेयर करते हैं, कभी उनपे चमड़ा चिपका देते हैं, कभी उनको सिल देते हैं। इन विलेजेस दे प्रोड्यूस हैंडमेड शूज एंड स्लीपर्स फ्रॉम लेदर टू सेल देम लोकली और इन अर्बन मार्केट्स फॉर अ गुड प्राइस। गांव में वो हैंडमेड शूज बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं लेदर से, और उनको आइदर लोकली या शहर के मार्केट में बेच देते हैं अच्छे दामों पे। लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन हु लिव इन योर सिटी और विलेज। इन व्हाट वेज आर दी सिमिलर टू दिस परफॉर्म्ड बाय द पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। अब आपको कुछ लिस्ट बताती हैं फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं मेन वुमेन के द्वारा, जो आइदर गाँव में रहते हैं या शहर में, कैसे वो सिमिलर हैं उन लोगों से जो लोग मथुरा में रहते हैं, या कैसे उनसे वो अलग है। इन द सिटी आई लिव आई सी मैन एंड वुमेन वर्किंग टू फीड देयर फैमिली। जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज में, चाहे मैन हो वुमेन हो, दोनों ही काम करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। मोस्टली मैन वर्क इन ऑफिस एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। ज्यादातर मैन जो है वो ऑफिस में या और किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं। Women also work in offices these days. आज की डेट में लेडीज भी जो हैं offices में काम करती हैं। In a city like Mathura, people work to provide food items to the city folks because it is located at the intersection of two major trade and travel routes. जैसे मथुरा जो है, वहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर food items जो हैं उनको provide करने का काम करते हैं शहर के लोगों को, क्योंकि वो जो है एक intersection पर located है दो major trade और travel routes के। Life of people of other cities and that in Mathura is no way much different. और अगर देखा जाए तो लोगों की जो जिंदगी हमारे शहरों में है या मथुरा में है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।